हमारा कॉमर्स के लिए बैंकिंग विषय के बारे में कुछ लेसन और लेसन से संबंधित कुछ टॉपिक बताऊंगा। आप मेन रजिस्टर लिखे उन्हें नोट भी कर सकते हैं। बेसिक चीजें हैं, पहले लेसन का पहले टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कक्षा 12 में एक सब्जेक्ट है बैंकिंग। 11 में हमने मनी पढ़ ली, अब उसके आगे का जो है वो बैंकिंग कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो बैंकिंग में लगभग 25 लेसन है कक्षा 12 में, और वो 25 लेसन एक बार में नहीं पढ़ेंगे। उन 25 लेसन को दो भागों में डिवाइड करेंगे, पहले 10 लेसन और बाद में 15 लेसन। जिससे क्या होगा कि जो पहले 10 लेसन है वो बहुत बहुत आसान है पढ़ने में, समझने में, और उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। उन्हें आप आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके कवर कर सकते हैं, और उन लेसन से बोर्ड एग्जाम में लगभग 40 से 50 नंबर का आता है सिर्फ पहले 10 लेसन से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन का नाम है, जैसे सबको पता है, बैंक। इसमें बैंक शब्द की उत्पत्ति, बैंक शब्द की उत्पत्ति, बैंक का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके कार्य, बैंक के प्रकार एवं महत्व। इतना अध्ययन करना है। बैंक शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, कार्य, प्रकार एवं महत्व। तो सब लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, और अगर नोट करना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। बहुत आसान लेसन है, और बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से एक लॉन्ग क्वेश्चन और लगभग 2 से लेके 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं, यानी 10 से लेके 12 या 15 लेसन तक, 15 नंबर तक इस लेसन से आ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है बैंक शब्द की उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है कि आखिर बैंक शब्द आया कहां से। तो माना जाता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति सन 1157 में जो पहला बैंक स्थापित हुआ था, जिसे बैंक ऑफ वेनिस कहा जाता है, बैंक ऑफ वेनिस इटली में स्थापित हुआ था। इटली इटालियन भाषा के बैंको शब्द से, कौन से शब्द से, इटालियन भाषा के बैंको शब्द से बैंक शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इटालियन भाषा के बैंको शब्द से को
सभी लोग मानते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको शब्द से हुई है जो इटालियन भाषा का है। अब इटालियन भाषा ही क्यों ली है? इसलिए ली है क्योंकि पहला बैंक बैंको वेनेटो इटली में स्थापित हुआ था और वहां पर बैंको शब्द को ही बैंक के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए बैंको शब्द से ही बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ कहानी ऐसी भी किताबों में पढ़ने को मिल जाती है कि कुछ रोम में जो साहूकार है महाजन होते थे, अपना काम बैंकों पे बेंचों पे बैठ कर करते थे, जिनकी इनका बिजनेस ठप हो जाता था, व्यापार ठप हो जाता था, वो अपनी बेंच को तोड़ देते थे, वहीं से बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है, बैंक की उत्पत्ति बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग इसे मानते भी हैं, एक अर्थशास्त्री हैं मैंगलर, वो इस तथ्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते और क्राउथर कहते हैं, क्राउथर के अनुसार क्राउथर कहते हैं बैंक शब्द की उत्पत्ति साहूकार महाजनों से हुई थी प्राचीन समय में, जब लोगों के पास कोई ऐसी संस्था नहीं थी जहां पर बहुत सारा पैसा जमा कर सके, एकत्रित कर सके, इकट्ठा रख सके, तो साहूकार महाजन अपना सोना चांदी या अपना जो धनराशि था उसे एक बहुत अच्छी सिक्योर जगह पे तिजोरियों में रखते थे और फिर धीरे धीरे साहूकार जो सराफ महाजन थे, जो सराफ महाजन थे उनने लोगों का रुपया भी अपने पास रखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जब सोचा कि हम लोगों का रुपया अपने पास रख रहे हैं, क्यों ना हम इनको इनकी जरूरत के लिए धनराशि उधार देने लगे, तो उन लोगों ने धनराशि उधार देना भी शुरू कर दिया। तो कुछ लोग यही मानते हैं, खासतौर पर क्राउथर, उन बोलो कि क्राउथर यही मानते हैं कि यहीं से बैंकिंग का प्रचलन प्रारंभ हो गया। लेकिन कुछ भी हो, बैंक को नॉर्मल भाषा में पहला बैंक बैंक ऑफ वेनिस 1157 में बना और बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग शब्द में भी परिभाषित किया जाता है। अब इसके बाद हम ये नॉर्मल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें दिया जाता है एग्जाम में कि पहला बैंक कौन था 1157 में बैंक ऑफ वेनिस। इसके बाद बैंक शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो इटालियन भाषा के बैंको से। जी ऑथेंटिक या सही आंसर इस ये दो होते हैं, पहला बैंक और बैंको शब्द से इसकी उत्पत्ति। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के बाद बैंक का अर्थ। इसमें भी कुछ अगर हमें बड़ा चढ़ा के लिखना है या कुछ ज्यादा लिखने के लिए आता है तो जो कहानी प्रचलन में होती है, जैसे साहूकार महाजन बैंक बेंचों पर बैठकर अपना बिजनेस करते थे, या क्राउथर जो मानते हैं कि सराफ महाजनों से बैंक बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसको हम जोड़ के अगर लघुत्तरी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आता तो नहीं है, अगर लघुत्तरी में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उन शब्दों को जोड़ के हम अपना लगभग 100-120 शब्द लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगला इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा बैंक का अर्थ एवं परिभाषा, यानी बैंक